गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम एक्रेलिक पेंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो जो पेंटिंग आपको दिख रही है आज हम उसी बनाएंगे। एक्रेलिक पेंटिंग्स के लिए आपको अपना हाथ थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा। अगर आप स्लो काम करेंगे तो कलर ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन इस कलर की खासियत यह भी है कि जल्दी सूखने की वजह से इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए, एक्रेलिक पेंटिंग के लिए हम सबसे पहले शीट लेंगे। आप देखिए, यहाँ पर हमने तीन कलर्स लिए हैं, वाइट, रेड और पर्शियन ब्लू। इन्हीं कलर से हम पेंटिंग बनाएंगे। शुरू में वाइट कलर लिया और उसकी एक थोड़ी सी कोट लगाई, फिर हमने रेड कलर। वाइट और रेड को मिक्स करने से इसकी एक लाइट टोन ऊपर बनेगी, जिसकी वजह से जो हम स्काई बनाने जा रहे हैं उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। बाकी की शीट को हम रेड कलर से पूरा कवर कर रहे हैं। नीचे तक आप देखेंगे रेफरेंस वीडियो जो है उसमें पूरा का पूरा हमने रेड कलर से अपनी जो शीट है उसको कवर कर दिया है, और ब्रश के साथ पूरी शीट को स्मूथ हम कर रहे हैं, जिससे कि कहीं पर भी कलर की कोई लेयर हमें दिखाई ना दे। हम थोड़ा सा और वाइट कलर लेंगे ताकि स्काई में थोड़ा सा और लाइट इफेक्ट आ जाए। तो इस तरह से वाइट कलर का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपनी जो कलर हैं उनसे सॉफ्टनेस ला सकते हैं। आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप कलर के लिए डायरेक्ट बॉटल से कलर यूज़ ना करें, आप कलर पैलेट लें और उसमें कलर निकालें, ताकि आपका जो कलर है फ्रेश रहे, ख़राब ना हो। और जब एक से दूसरे कलर को आप यूज़ करें तो अपने ब्रश को अच्छी तरह धो लीजिए, टिश्यू पेपर पर उसका जो एक्सेस वाटर है उसे निकाल लीजिए। अब हम पर्शियन ब्लू कलर लेंगे और जो पहाड़ी की शेप है उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे ब्रश के साथ बना सकते हैं। तो पहले पूरी की पूरी पहाड़ी को हम पर्शियन ब्लू कलर से फिल कर लेंगे और उसके बाद इसमें शेडिंग देकर 3D इफेक्ट निकालेंगे, जिससे कि देखने में ही अच्छी लगे। इस तरह से ही सिर्फ फ्लैट लगेगी, फ्लैट कलर पेंटिंग बनाने में उतना देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, बनाने में आसान हो सकती है शेडो पेंटिंग की तरह, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी निकाल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा और ये पेंटिंग देखने में अच्छी लगेगी। तो आप देखिए, वाइट कलर लेने से पहले ब्रश को धो लिया गया है। अब वाइट कलर के साथ हम इस पर शेडिंग देंगे, क्योंकि हम ऊपर चांद बनाने वाले हैं, तो इसलिए वाइट कलर के साथ अगर हम शेडिंग देते हैं तो ऐसा लगेगा कि चांद की चांदनी का धुंधिया जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो पहाड़ी के ऊपर गिर रही है और ब्लू कलर्स में मिक्स होकर ये बहुत ही सॉफ्ट और नाइस इफेक्ट क्रिएट करेगी, जैसा कि नेचुरल होता है। पहाड़ों पर अक्सर रात के टाइम में इस तरह का हमें इफेक्ट दिखाई देता है। हाँ, रात के वक्त स्काई रेड नहीं होता ये माना जाएगा, लेकिन एक आर्टिस्ट अपनी कल्पना से किन्हीं भी कलरों के कम्बिनेशन से एक खूबसूरत दृश्य उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, हमारी पहाड़ी में एक 3D इफेक्ट आना शुरू हो गया है। तो जब तक आपको लगे कि जैसा इफेक्ट आप चाहते हैं वैसा इफेक्ट नहीं निकला, आप अपनी पेंटिंग में इसको शेडिंग दे सकते हैं, 3D इफेक्ट निकाल सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना चाहिए, ये आपको घबराहट होने लगे कि ख़राब ना हो जाए, तो उस वक्त आप इसे छोड़ दीजिए। वैसे बिना घबराए करना सबसे अच्छा होता है। अब देखिए, फिर से हमने एक्सेस वाटर निकाला। अब हम यहाँ पर चांद बना रहे हैं। चांद आप लोग चाहे तो पहले पेंसिल से थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए, फिर बनाइए, अगर फ्री हैंड बनाते हो आपको डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसे ख़राब कर दें। तो ये बारीक काम करने की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़े ही ध्यान से आप इसे करेंगे और अपना जो काम है उसे पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल पेंटिंग है, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे कैनवस पे भी बना सकते हैं, आइवरी शीट पर भी बना सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।